पानी, जल, वाटर। नेचर से हमें मिला हुआ एक ऐसा तोहफा जिसकी कद्र करना इंसान ने शायद छोड़ ही दिया है। आमतौर पे यह देखा जा रहा है कि इंसानों का पानी वेस्ट करने का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि हर साल इतनी बारिश गिरने के बावजूद फरवरी और मार्च से ही लोगों का पानी के लिए चिल्लाना शुरू हो जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके टोटल एरिया में से 71% एरिया पानी से कवर है और उसका ही 97% पानी समुद्र के रूप में पाया जाता है। मतलब सिर्फ 3% पानी पृथ्वी पर एक्चुअल यूज में लाया जा रहा है और असल में तो उसमें से सिर्फ 0.5%, मतलब आधा प्रतिशत पानी ही पीने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 2.5% बचा हुआ पानी तो ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, एटमोस्फियर और मिट्टी के रूप में अवेलेबल है। औसतन एक एडल्ट इंसान का शरीर 70% पानी से बना हुआ रहता है। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ, यह बिल्कुल सच बात है। दिन भर में अपने शरीर को 8 से 10 ग्लास, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत होती है। लेकिन गौर से देखा जाए तो जिस क्वालिटी का पानी हमें पीना चाहिए उस क्वालिटी का पानी हमें मिलता ही नहीं है, और जिसकी वजह से हम बहुत सारे बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। ग्राउंड वाटर लेवल पर नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित भारत के 21 बड़े शहरों में 2020 के एंड तक ग्राउंड वाटर लेवल कुछ भी नहीं रहेगी, जिससे लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इंडिया की 40% पॉपुलेशन को 2030 तक पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं रहेगी, जो कि आगे जाके बहुत बड़ी मुश्किल हम सबके लिए होने वाली है। फिलहाल चेन्नई में चला आ रहा वाटर क्राइसिस आप सब लोगों को पता ही है, उसके बावजूद इंडिया के बहुत सारे जगह पर पानी के लिए हमेशा लड़ाई होते हुए दिखाई देते आ रही है। और मुझे तो लगता है नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो वो कभी क्रूड पेट्रोल या फिर डीजल के लिए नहीं, तो वो सिर्फ पानी के लिए ही हो सकता है। जनरली हम सबको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पता है, जिससे हमें बारिश के जरिए पीने का पानी मिलता है। लेकिन जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फिलहाल अपने इधर की जमीन की पानी एब्जॉर्ब करने की ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसे साइंटिफिकली हमने बोला था सॉइल वाटर रिटेंशन रेट। अगर आपको चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ। मतलब इस कम होते जा रहे सॉइल वाटर रिटेंशन रेट की वजह से अपने यहाँ के अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो रही है, और जिसका डायरेक्ट असर अपने यहाँ के पीने के पानी के ऊपर भी हो रहा है। यानी कि आगे जाके हमें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उसी का हल ढूंढने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना ये वीडियो और जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आज तक दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया और बहुत सारे नए नए टेक्निक्स को इन्वेंट किया, जैसे कि वाटर डिसेलिनेशन, मतलब समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना, या फिर वाटर प्यूरिफिकेशन थ्रू यूवी, आरओ और मेम्ब्रेन, मतलब पानी को तरह तरह के फिल्टरों में से पास करना, और इसी तरह के कुछ और भी टेक्निक मौजूद हैं। लेकिन इनमें से बहुत से टेक्निक से पानी बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, और कोई तो WHO के स्टैंडर्ड्स तक ही नहीं पहुंच पाए। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढे एक नई टेक्निक का आविष्कार हुआ है, जिसका नाम है हवा से पानी। क्यों दोस्तों, यकीन नहीं हुआ? लेकिन यह बिल्कुल सच है, और इस बात को सच करके दिखाया है हमारे IIT मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर टी प्रदीप और उनके स्टूडेंट की टीम ने। इस टीम ने पूरी मेहनत करके उनके इस सपने को सच करके दिखाया है और बनाई है एक ऐसी मशीन जो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी को कन्वर्ट करती है पानी में। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर, AWG, यानी कि हवा से पानी बनाना। सीधे शब्दों में समझने के लिए उन्होंने फॉलो किया एक प्रोसेस जो हम अक्सर सुबह में देखते हैं
और वो है पेड़ पौधों के पत्तों के ऊपर हुआ पानी का कंडेंसेशन। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन्होंने बनाई एक नई मशीन। इस मशीन के एक तरफ से फ्रेश एयर को अच्छी तरह से फिल्टर करने के बाद ही उसे आगे राउंड मेटालिक पाइप के ऊपर से पास किया जाता है, और उसी समय पे इस पाइप के अंदर से कूल रेफ्रिजरेंट को पास करते हैं, जिसके वजह से इस पाइप का टेम्परेचर पानी के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम रखा जाता है, जिसकी वजह से जब मशीन के अंदर आने वाली हवा इस पाइप के कांटेक्ट में आती है तो हवा में मौजूद एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी कि पानी कंडेंसेट हो जाता है और नीचे रखे हुए टैंक में कलेक्ट हो जाता है। बाद में इस पानी को ओजोन जनरेटर और फिल्टर से पास किया जाता है, और इसके साथ ही इसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, तब जाके वो पानी पीने लायक बनता है। तो दोस्तों, देख लिया कितना आसान है यह साफ सुथरा पीने का पानी मिलाने का तरीका। सिर्फ आपको जरूरत है सही जगह पे सही दिमाग लगाने की। इस टेक्निक की बहुत सारी विशेषता भी है, जैसे कि 1 लीटर पानी बनाने का इसका खर्च सिर्फ 5 रुपए है। यह मशीन सिंगल फेज पावर सप्लाई पे भी चल सकती है और इसमें बहुत कम बिजली भी खपत होती है। और अगर आप चाहिए तो इसको सोलर सिस्टम पे भी चला सकते हैं। और इस मशीन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे मिलने वाले पानी की क्वालिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दिए हुए स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। इस मशीन की कॉस्ट 50,000 रुपये है, मतलब अगर आप 10 साल के लिए इसको यूज करते हैं तो पर ईयर 5,000 रुपये खर्चा, यानी कि पर मंथ 500 रुपये से भी कम खर्च में पानी का टेंशन सॉल्व हो सकती है। 30, 100 और 400 लीटर मशीन बनने के बाद यह टीम अब पर डे 2,000 लीटर पानी देने वाली मशीन बना रहे हैं। मेक इन इंडिया मिशन के तहत अपने इधर के साउथर्न इंडियन रेलवे बोर्ड ने मैत्रा एक्वाटिक कंपनी के साथ जुड़कर दिसंबर 2019 से ही यह मशीन मेघदूत के नाम से सबसे पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर लगा दी गई है, और तब से लेके आज तक यह बहुत सारे लोगों की प्यास बुझाते आ रही है। इसके साथ ही अपने यहाँ के रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ऐसा ऐलान भी किया है कि जल्द ही भारत में सब रेलवे स्टेशन पर यह मशीन बिठाई जाएगी। तो दोस्तों बताइए, है कि नहीं यह एक अमेजिंग फैक्ट। अगर आप लोग आगे जाके ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस चैनल के जरिए, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले वो कीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो और अपना चैनल पसंद आ रहा है तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ बाकी सब लोग भी जान जाए 1000 फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। थैंक्स अ लॉट।